जयपुर से है, जहां पर विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने से पूर्व भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई है। उस बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। सरकार ने यह भी तय किया है कि 25 नवंबर को सत्र की शुरुआत वाले दिन अनुपूरक बजट लाया जाएगा और वहीं कैबिनेट जो सबसे अहम फैसला हुआ है उसमें वो है राम वन पथ गमन को लेकर। भूपेश सरकार ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ में जिन स्थानों से भगवान राम गुजरे उसे पर्यटन परिपथ के तौर पर विकसित किया जाएगा। पहले चरण के लिए 8 स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। शुभारंभ चंद्रखुरी में माता कौशल्या मंदिर स्थल का विकास कार्यों के साथ होगा। राम ने छत्तीसगढ़ में अपने वनवास के 10 वर्ष गुजारे हैं। मंत्रिमंडल में राम वन गमन पथ छत्तीसगढ़ में ऐसा मान्यता है कि 14 वर्ष के वनवास काल का लगभग 12 वर्ष प्रभु राम का छत्तीसगढ़ से ही गुजरा है, इसलिए उस पूरे पथ जिसको चिन्हांकित किया गया है उसको पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़